Hello students, so today we will study about volatile oil and flavonoids. As we have discussed earlier about the alkaloids, glycosides, the volatile oils and flavonoids also comes under the category of secondary metabolites. So before starting the topic, I would like to introduce some main points about the volatile oils. First of all, volatile oil होते क्या है? So students देखिए, volatile नाम से ही जैसे detect होता है कि volatile मतलब कोई ऐसा substance जब आप क्या कर रहे हो, इसे expose करते हो air में, normal temperature में. अगर हम इन substance को, volatile substance को air में expose करते हैं, they get vaporize, they easily get evaporated. That's why they are known as volatile. Now the oils which have the same tendency, whenever they are exposed to air, they just get the vaporized. So इसलिए इनका नाम क्या हो गया इन oils का, volatile oils. And ये जो volatile oils है देखिए, plant में जो present होते हैं, they are known for their fragrance. ठीक है, अच्छी खुशबू के लिए इन्हें जाना जाता है, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, essential oils भी बोलते हैं, because of their essence. ठीक है, अब जैसे हमारे घर में मसाले जिसमें आप यूज करते हो, क्लोव है, कार्डमम है, सिनेमन है, दीज ऑल कंटेन्स द वॉलेटाइल ऑयल. इन वॉलेटाइल ऑयल की वजह से ही क्या होता है, इन प्लांट्स में खुशबू आती है. ठीक है, तो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन वॉलेटाइल ऑयल्स के बारे में. फर्स्टली डेफिनेशन वॉलेटाइल ऑयल्स की. वॉलेटाइल ऑयल इज अ कंसेंट्रेटेड हाइड्रोफोबिक लिक्विड कंटेनिंग वॉलेटाइल एरोमा कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट्स. देखिए, वॉलेटाइल ऑयल क्या होते हैं, कंसेंट्रेटेड होते हैं, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर लविंग नहीं होते, एंड कंटेन वॉलेटाइल एरोमा, एरोमा मतलब फ्रेग्रेंस कंपाउंड्स फ्रॉम द plants. Now volatile oils are also called as essential oil because they represent the essence or odoriferous constituents of plants. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि volatile oils को हम essential oil क्यों कहते हैं, because of their fragrance, इनकी खुशबू की वजह से. ठीक है, इनके odoriferous constituents की वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, essential oil भी बोला जाता है. Chemically volatile oil और essential oil are derived from terpenes and their oxygenated compounds. ठीक है, अब देखिए जो केमिकल्स इसमें वॉलेटाइल ऑयल्स में जो केमिकल्स हमें मिलते हैं, ये कहाँ से ड्राइव होते हैं, टर्पीन से. ठीक है, अब ये टर्पीन्स क्या होते हैं, ठीक है, टर्पीन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं. ठीक है, अब ये जो इसकी बेसिक यूनिट होती है, अभी नेक्स्ट पॉइंट भी हम पढ़ेंगे, इसकी जो एक सिंपल बेसिक यूनिट होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन यूनिट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C5H8. जैसे कि आप प्रोटीन्स पढ़ते हो तो प्रोटीन्स की क्या है बेसिक यूनिट, कौन सी आ जाती है, जैसे अमाइनो एसिड्स. सेम इसमें टर्पीन्स में जिसकी सिंपलेस्ट बेसिक यूनिट कौन सी है, आइसोप्रीन यूनिट्स. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए ये लिखा है, दे आर मेड अप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स एंड आर यूजुअली मोनोटर्पीन्स, सस्केटर्पीन्स एंड डाइटर्पीन्स. ठीक है, देखिए जो सिंगल आइसोप्रीन यूनिट होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, C5H8. अब जब दो आइसोप्रीन यूनिट कंबाइंड होती है तो वो क्या बनाते हैं, मोनोटर्पीन्स. ऐसे ही जब तीन आइसोप्रीन यूनिट्स कंबाइंड होगी, इट विल फॉर्म सस्केटर्पीन्स. ऐसे ही जब आपका क्या हो जाता है, फोर आइसोप्रीन यूनिट्स कंबाइंड होती हैं, इट विल फॉर्म डाइटर्पीन्स. ठीक है, नाउ दे आर मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स ऑफ फैमिलीज लाइक पाइनेसी, एपिएसी, रुटेसी एक्सेट्रा. ये जो फैमिलीज है पाइनेसी, एपिएसी, रुटेसी, मेनली इनमें क्या होता है, वॉलेटाइल ऑयल्स मिलता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या होते हैं, दे आर लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विफाइल होते हैं, एंड वॉलेटाइल विद अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल. नाउ दे आर इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन एल्कोहल, ईथर एंड अदर लिक्विड सॉल्वेंट्स. दे आर यूजली लाइटर देन वाटर एंड देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लेस देन 1. Volatile oils have high refractive index and show optical rotation. इनका जो refractive index होता है वो बहुत ज़्यादा high होता है, and ये क्या show करते हैं, optical rotation, means they have the tendency to rotate the plane polarized light. Now we will study about the classification of volatile oils. तो देखिए इसमें ये जो volatile oils की classification हमने की है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वॉलेटाइल ऑयल में, इसके बेसिस हमने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया है. सपोज अगर हाइड्रोकार्बन वॉलेटाइल, इट मींस द वॉलेटाइल ऑयल व्हिच कंटेन्स द ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो इसमें कौन सी ड्रग्स आ जाती है, जैसे बिटर ऑरेंज, टर्पेंटाइन, जूनिपर. नेक्स्ट इज एल्कोहलिक
Volatile oil means it contains the functional group alcohol. Example, mentha, coriander, rose, etc. Now, next is ester volatile oil. Example, lavender, rosemary, sweet orange, etc. Now, next is aldehyde volatile oil. Drugs are cinnamon bark, cassia bark, lemon. Ketonic volatile oil, carabin, dill, spearmint, etc. Phenolic volatile oil, cinnamon leaf, clove, horse mint, etc. Oxide volatile oil, example kya hai isme? Chinopodium oil or eucalyptus oil. ठीक है, तो ये सारी क्या थी, हमने classification है volatile oils की. Now we will study about the identification test for the volatile oil. देखिए इसके identification, दो मैंने identification test mention किए. तो पहले हम क्या करते हैं, जो भी आपकी drug है जिसमें हमें क्या करना है, वोलेटाइल ऑयल्स को डिटेक्ट करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका थिन सेक्शन काट लेंगे. सी थिन सेक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग. अब इसमें क्या करते हैं, हम अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेंगे, किसका, सुडान थर्ड का. ठीक है, जैसे ही आप ड्रग को अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सुडान थर्ड में ऐड करेंगे, कौन सा कलर प्रोड्यूस हो जाएगा, रेड कलर. ठीक है, रेड कलर अगर प्रोड्यूस होता है, इट मीन्स that particular drug contains the volatile oil. Now next test is, again we will cut the thin section of volatile oil containing drug and you have to add drop of tincture alkene. ठीक है, tincture मतलब क्या होता है, कोई भी आपका अगर suppose alkene है, iodine है, तो हम particular drug को क्या कर रहे हैं, dissolve करते हैं जब alcohol में, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, tincture. ठीक है, इसमें क्या आएगा, drop of tincture alkene. और same color आता है, कौन सा, red color is produced. So these both are the identification tests for the volatile oils. Now we have to study about the uses of volatile oils. First use is, it work as a carminative. Carminative means it prevents the formation of gas. इसमें कौन सी drugs आ जाती है, fennel और coriander. Then anthelmintics, इसमें क्या आ जाएगा आपका, chinopodium oil. Diuretics, juniper. Antiseptic, eucalyptus oil. Flavoring and perfuming agent, rose oil, peppermint oil, etc. Antispasmodic, इसमें कौन सी drugs आ जाती है, ginger, lemon, rosemary, peppermint, chamomile, fennel, caraway. Now some drugs which are used as a starting material for the synthesis of other compounds. So इसमें भी हम कुछ drugs को लेते हैं, जैसे कि oil of turpentine. ठीक है, तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे किसके लिए, वॉलेटाइल ऑयल्स के लिए. तो हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया है, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, इसकी क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड यूजेस. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फ्लेविनॉइड्स. अब ये फ्लेविनॉइड्स होते क्या है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ फ्लेविनॉइड्स आर, द फ्लेविनॉइड्स आर पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स possessing 15 carbon atoms, two benzene rings joined by a linear three carbon chain having the carbon skeleton C6, C3, C6. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए फ्लेविनॉइड्स क्या होते हैं, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स. पॉलीफिनोलिक मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे आपके phenols group present होते हैं, that's why they are known as polyphenolic compounds. And it contains the 15 carbon atoms, means the carbon number present here in the structures are 15, and this is the basic structure for the flavonoid. See the C6, C3 and C6. So ये basic structure होता है. यहाँ पे क्या होंगी आपकी, दो benzene ring present होती है, ठीक है, C6, C6. और यहाँ पे एक जो रिंग प्रेजेंट होगी उसमें कितने कार्बन होंगे, C3. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर द फ्लेविनॉइड. दे आर द प्लांट पिगमेंट्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लांट पिगमेंट्स. देखिए जो प्लांट में जो कलर होता है, ठीक है, तो ये जो कलर आ रहा है, ये जो कलर प्लांट में प्रेजेंट है, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लेविनॉइड. फ्लेविनॉइड्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, दे आर द प्लांट पिगमेंट्स. फ्लेविनॉइड्स कंस्टिट्यूट वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्लासेस ऑफ कंपाउंड इन हायर प्लांट्स. इसमें जो फ्लेविनॉइड्स है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्लास ऑफ हायर प्लांट्स. नाउ मेनी फ्लेविनॉइड्स आर इजिली रिकॉग्नाइज्ड एज फ्लावर पिगमेंट्स इन मोस्ट एंजियोस्पर्म फैमिलीज. मेनली क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म फैमिलीज है, ठीक है, उसमें जो फ्लावर पिगमेंट्स होते हैं, उसमें मोस्टली सबसे ज्यादा आपके फ्लेविनॉइड्स पाए जाते हैं.
Now, however, the occurrence is not restricted to flower but include all parts of the plant. अब ऐसा नहीं है कि आपको केवल फूल में ही अगर कलर दिखता है तो केवल वहीं पे फ्लेविनॉइड्स प्रेजेंट है, बट इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग ओनली द फ्लावर इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, सारे पार्ट्स में जहाँ पे क्या होता है कलर्स होते हैं, तो ये किसकी वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लेविनॉइड्स. नाउ दे आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड इफेक्टिव इन सीएनएस ऑर्डर. ये क्या आ जाते हैं आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंडर ही आते हैं, और कौन किस चीज के लिए इफेक्टिव होते हैं? इट इज मेनली इफेक्टिव इन द सीएनएस डिसऑर्डर. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लेविनॉइड्स. फ्लेविनॉइड्स हैव पोलर नेचर एंड आर क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स. इनका नेचर क्या होता है? पोलर होता है एंड दे आर क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स. फ्लेविनॉइड ग्लाइकोसाइड्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल. वाटर और अल्कोहल में फ्लेविनॉइड्स ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं, बट दे आर इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. इनसोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में. और जो इसका ए ग्लाइकोन पोर्शन होता है फ्लेविनॉइड ग्लाइकोसाइड्स का, दे आर स्ट्रेंगली सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ईथर एंड क्लोरोफॉर्म. अब फ्लेविनॉइड के कलर कुछ डिस्कस किए हैं. दे आर कलर्ड स्पेशली, जैसे येल्लो है, येल्लो में कौन से आपके फ्लेविनॉइड्स की क्लासिफिकेशन में जब हम करेंगे इसमें कौन कौन से जिसकी फ्लेवॉन्स में कैटेगरीज है, इसमें क्या होगा कलर येल्लो होगा, तो उसमें कौन सा आ जाता है कि फ्लेवॉन्स हैं, फ्लेविनॉल्स हैं, चालकोन्स एंड ऑरेंज. देन रेड, रेड में आते हैं आपके एंथोसाइनिडीज इन एसिडिक मीडिया. ब्लू में एंथोसाइनिडीज इन अल्कलाइन मीडिया. अब जो कलरलेस फ्लेविनॉइड्स होते हैं इसमें आपकी कौन सी कैटेगरीज आती हैं फ्लेविनॉइड्स की? कैटेचेंस, फ्लेवॉन्स, फ्लेविनॉन्स, ल्यूको एंथोसाइनिडीज एंड आइसोफ्लेविनॉन्स, आइसोफ्लेवॉन्स. ठीक है, तो ये जो आपकी कैटेगरीज है फ्लेविनॉइड्स की, इनका क्या होता है? कोई कलर नहीं होता, दे आर कलरलेस. नाउ अंडर द यूवी लाइट फ्लेविनॉइड शो फ्लोरेसेंस एट डिफरेंट कलर. ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं यूवी में फ्लेविनॉइड्स को चेक करते हैं तो दे शोज द डिफरेंट कलर्स लाइक येल्लो, ऑरेंज, ब्राउन और रेड. Now, certain flavonoids also markedly affect the taste of foods. For example, some are very bitter and astringent, such as flavanol, glycoside, naringin, which occur in the peel of grapefruit. ठीक है, अब क्या है जो कुछ flavonoids होते हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं taste of food, जो food का taste है उस पर भी effect डालते हैं. जैसे कि example है आपका flavanol glycoside naringin. ठीक है, जो एक naringin flavonoid glycoside present होता है कहाँ पे? ग्रेप फ्रूट की पील पे. ठीक है, जो कवरिंग होती है उसकी पील, वहां पे कौन सा प्रेजेंट होता है आपका? फ्लेविनॉन ग्लाइकोसाइड नारिंजिन. तो इट प्रोवाइड्स बिटर एंड बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट टेस्ट फॉर दिस फूड. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेविनॉइड्स. अब हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, नाउ दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे आपने जो फ्लेविनॉइड्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल स्ट्रक्चर. लास्ट में मैंने सबके केमिकल स्ट्रक्चर का आपको डायग्राम दिया है, ये देखिए. ठीक है, तो यहाँ पे सब देखिए, रिंग स्ट्रक्चर सबका सेम होगा. ठीक है, C6 जो मैंने आपको बताया था, C6, C3, C6, बट यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे. तो यहाँ पे हमने किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर इनको क्लासिफाई करा है. तो फर्स्ट है आपका क्या है? फ्लेविनॉन्स, फ्लेवॉन्स, फ्लेवॉन्स. इसको देखिए नेमिंग भी बताइए, 2-phenylchromine-4-1. इसमें आपकी कौन सी ड्रग्स आ जाती है? एपिजेनिन, लुटियोलिन, टैंजेरेटिन, डायोस्मार्टिन. ठीक है, ये जो ड्रग्स है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो किसमें आ जाते हैं? फ्लेवॉन्स में. नाउ फ्लेविनॉल, इसमें इसकी नेमिंग देखिए, 3-hydroxy-2-phenylchromine-4-1. इसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आते हैं आपके? रूटीन, कैम्फ्रॉल, मार्सिटीन, क्वार्सिटीन, क्वार्सिट्रीन एंड फिजेटीन. नाउ फ्लेविनॉन, इसमें आपकी नेमिंग क्या है? 2,3-dihydro-2-phenylchromine-4-1. और इसमें केमिकल कॉन्स्टेंट्स आते हैं हेस्पेरिटीन, हेस्पेरिडीन, नारिंजानीन, इथियोडिक्टोइल एंड होम्योरियोडिक्टोइल. देन फ्लेविनॉल, इसमें आपकी नेमिंग क्या है? 3-hydroxy-2,3-dihydro-2-phenylchromine-4-1. और इसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट आते हैं? टैक्सीफोलिन, डाइहाइड्रोकैम्फ्रॉल, सिलीमारिन. देन फ्लेवन,
फ्लेवन में क्या, इसकी नेमिंग क्या है, फ्लेवन सॉरी फ्लेवन है, देन इसके बाद इसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट आते हैं, फ्लेवन थ्री ऑल, फ्लेवन फोर ऑल, फ्लेवन थ्री फोर डाइऑल्स, देन आइसो फ्लेवॉन्स नेमिंग क्या है, थ्री फिनाइल क्रोमीन फोर वन, इसमें केमिकल कॉन्स्टेंट कौन सा आता है, जैनस्टिन एंड डाइजिन, देन एंटोसाइनिडीन, एंटोसाइनिडीन में क्या आता है, टू फिनाइल क्रोमीन क्रोमिनिडियम साइनिडीन एंड डेल्फिनिडियम, केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं इसके। Then we will study about the test. हम कैसे determine करें कि particular drug में हमारे flavonoids present है या नहीं है। तो firstly हम क्या करेंगे, आपने जो extract निकालोगे drug का जिसमें हमें determine करना है flavonoids की presence को, उस extract को क्या करना है, firstly dissolve करना है ethanol में। ethanol में dissolve करने के बाद आप क्या करोगे, उसे filter कर लोगे। filter करने के बाद आप test perform करेंगे, ठीक है। तो mainly मैंने यहाँ पे दो test describe करे हैं, first is Shinoda test and second is lead acetate solution test। फर्स्टली क्या होता है, देखिए जो ड्राइड एक्सट्रैक्ट है जो आपने अभी बनाया था, उसे हमने क्या करा, डिसॉल्व किया 95% इथेनॉल में, और इसमें आप क्या करोगे, कुछ ड्रॉप्स किसकी डालेंगे, HCl की डालेंगे, ठीक है। उसके बाद HCl की ड्रॉप डालने के बाद आप मैग्नीशियम टर्निंग चिप्स डाल दोगे। जैसे आप ये मैग्नीशियम टर्निंग चिप डालते हैं, जो सॉल्यूशन में क्या कलर आ जाता है, पिंक कलर आ जाता है। अगर पिंक कलर आ गया, इसका मतलब पर्टिकुलर ड्रग में क्या प्रेजेंट है, आपके फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है लेड एसिटेट सॉल्यूशन टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी जिसमें आपको क्या करना है, ड्रग को फ्लेवोनॉइड्स की प्रेजेंस को चेक करना है, आप क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी में उस रेसिड्यू को लेंगे, लेड एसिटेट सॉल्यूशन डालेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पे फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपके फ्लेवोनॉइड्स के कुछ टेस्ट थे। देन थेरापेटिक यूजेस, इसके यूजेस क्या होते हैं, जो फ्लेवोनॉइड कंटेनिंग प्लांट्स होते हैं, दे आर मेनली यूज फॉर देयर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। इट ऑल्सो पोजेस एंटीवायरल, एंटी कैंसर, स्पाजमोलाइटिक, इस्ट्रोजेनिक, कार्डोटोनिक एंड हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटीज। तो ये कुछ क्या थे, इंपॉर्टेंट यूजेस थे फ्लेवोनॉइड्स के, ठीक है। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड द वोलेटाइल ऑयल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स।